हेलो दोस्तों, मैं सुधा, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने दो लोगों के लिए स्वादिष्ट मिक्स वेज की सब्जी लेकर आई हूँ। चलिए मैं आपको मिक्स वेज में कौन कौन सी सब्जियाँ लगेगी वो आपको बता देती हूँ। एक बड़ी कटोरी कटा हुआ गाजर, एक बड़ी कटोरी कटा हुआ टमाटर, आधी कटोरी बीन्स कटी हुई, एक कटोरी कटा हुआ आलू, एक कटोरी कटी हुई गोभी, छोटी कटोरी छिली हुई मटर, ये सब हम तैयार कर लेंगे। चलो दोस्तों, अब हम तड़के की सामग्री तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमें लगेगा एक बड़ी प्याज कटी हुई, दो से तीन हरी मिर्च कटी हुई, चार से पांच कलियां लहसुन कटा हुआ, एक छोटा टुकड़ा अदरक और हरी धनिया काट लेंगे। और अब हम मसाला की सामग्री तैयार कर लेंगे, जिसमें एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। चलो दोस्तों, हम मिक्स वेज की सब्जी बनाते हैं। हम पहले गैस जलाएंगे, फिर कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम कढ़ाई में 50 ml तेल डालेंगे। उसके बाद जब हमारा तेल गरम हो जाए तो हम इसमें जीरा, प्याज और हरी मिर्च डालकर थोड़ा चलाएंगे। फिर इसमें अदरक लहसुन को डालकर 5 से 7 मिनट तक चलाएंगे। जब हमारा प्याज सुनहरे कलर का हो जाए तो कढ़ाई में टमाटर छोड़कर हमारी कटी हुई सारी सब्जियां डाल देंगे। हमें सब्जियों को 4 से 5 मिनट तक चलाते रहना है। फिर हमें गैस की आंच धीमी कर लेनी है। उसके बाद हम एक एक करके मसाला डालेंगे। मसाला में हल्दी, सब्जी मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर हमें सब्जियों को 4 से 5 मिनट चलाते रहना है। अब हम गैस को तेज कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें सब्जियों को 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। जब 10 मिनट हो जाए तो हम ढक्कन हटाकर सब्जियों को चलाएंगे। अब हम कश्मीरी लाल मिर्च डालकर 1 मिनट चलाएंगे। अब हमें कटे हुए टमाटर डालकर अच्छी तरह चलाएंगे। फिर हम सब्जियों में स्वाद अनुसार नमक डाल कर मिलाएंगे। अब हम सब्जियों को 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे धीमी आंच पर। अब हम 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चलाएंगे। हमारी सब्जी पक चुकी है। हम हरा धनिया डालकर गैस को बंद कर देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।